गोरखनाथ क्षेत्र के लच्छीपुर हाजी बिस्मिल्ला नगर में बुधवार को छोटे सिलेंडर से सिर पर प्रहार कर युवक की हत्या कर दी गई। शव कमरे में खून से लथपथ पड़ा हुआ था। देर शाम को किरायेदार पहुंचा तो घटना की जानकारी हुई। हत्या की सूचना पर गोरखनाथ पुलिस क्राइम ब्रांच के साथ फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य को जुटाया। पुलिस पारिवारिक कलह और संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका जता रही है। आपको बता दें कि लच्छीपुर हाजी बिस्मिल्ला नगर निवासी स्वर्गीय तफजुल 40 वर्षीय बेटा वाजिद अली नशे का आदि था। वह अन्य भाइयों से हटकर मोहल्ले में ही अलग पुराने मकान में रहता था। मकान में ही एक किरायेदार बहादुर भी रहता था। बहादुर फर्नीचर का काम करता है। बुधवार की देर शाम तकरीबन 7 बजे वह दुकान से कमरे पर पहुंचा तो वाजिद अली का कमरा बाहर से खुला मिला। आवाज देने के बाद भी जब कोई हरकत नहीं हुई तो दरवाजे को हल्का धक्का दिया तो वह खुल गया। कमरे में तख्त के पास नीचे खून से लथपथ वाजिद अली का शव पड़ा हुआ था, जिसके उसके सिर पर छोटे सिलेंडर से प्रहार किया गया था। सिलेंडर भी कमरे में ही पड़ा था। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। हत्या की सूचना पर SPCT डॉक्टर कौस्तुभ, गोरखनाथ इंस्पेक्टर रामाज्ञा सिंह और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई। बाद में फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाई। प्रथम दृष्टया पुलिस पारिवारिक कलह और संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका जता रही है। हाँ तबियत खराब हो गई। हाँ भैया मेरा नाम अब्दुल कादिर है। सब डेथ हो गया, लोग भागे हुए आए। उसके बाद एक उससे बड़ा भाई वाजिद से बड़ा भाई साजिद है, मेरे घर पर भागते हुए रोते हुए गया। मैं नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज पढ़ने के बाद देखा तो यहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई है और यहाँ आकर के देखा। आप मृतक के कौन हैं? हम आपके बड़े भाई हैं। दिखाई तो यही दे रहा कि सिलेंडर उसके पीछे रखा हुआ था, जिसमें खून से लथपथ है, वो भी लथपथ है और सिलेंडर भी खून से लथपथ है। और बहादुर जो है बता रहा कि हमने 3 लोगों को देखा है। अब वो कह रहा है कि जो है हम नहीं जान रहे हैं।